देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। दुनिया में गिरती पाकिस्तान की साख को एक और झटका लगने वाला है। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के चलते यूके और यूरोपीय संघ ने तो पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा रखा है, और अब फर्जी लाइसेंस के मामले को लेकर 188 देश और उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट लाइसेंसिंग मुद्दे पर 188 देशों के लिए उड़ान भरने और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफलता के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगना तय है। ये मामला काफी सालों से दबा आ रहा था, लेकिन इस घोटाले से पर्दा तब उठा जब संघीय उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया कि पीआईए के 141 सहित 262 पायलटों ने फर्जी लाइसेंस बनाए थे। आईसीएओ ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। 3 नवंबर को लिखे पत्र में आईसीएओ ने बताया कि पाकिस्तान में पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के संबंध में लाइसेंस और उनके प्रशिक्षण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि देश के विमान और इसको चलाने वाले पायलटों को दुनिया के 128 देशों में उड़ान भरने से रोकने की संभावना है। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रवक्ता ने चेतावनी के बारे में कहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और पाकिस्तान के विमानन उद्योग के लिए ये आपदा हो सकती है। पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े से पर्दा तब उठा जब एक विमान हादसे के बाद इसके पीछे के कारणों की वजह की छानबीन हुई। मई महीने में यह हादसा हुआ था जिसमें फ्लाइट में सवार कुल 97 यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा था। जांच में पाया गया था कि 860 पायलटों में से 260 से ज्यादा के पास या तो फर्जी लाइसेंस थे या फिर उन्होंने परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया था। यूरोपीय संघ और अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भविष्य अंधेरे में अटकाई था कि अब उस पर 128 देशों के प्रतिबंधों के बादल मंडराने लगे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, फर्जीवाड़ों का पुराना इतिहास संजोए पाकिस्तान को इतनी सजा मिलना जायज भी है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।